हिम, तुम ये कब तक संभालोगे यार? मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगली बार नहीं, पहले मेरा बंदोबस्त करेंगे, उसके बाद कोई और कदम उठाएंगे। तुम्हारा निकाह किसी और से कहाँ? अगर निकाह ही करने तो हम दोनों का क्यों नहीं? इनकी है ना, इनको अच्छा नहीं लगा ना हमने इनकी मर्जी के खिलाफ कोई कदम उठाया। इनकी लीन की औलाद ना पपेट्स है, ये चुप भी गए और हम आंखें बंद करके सब मान जाए, उनको परवाह नहीं है, बेशक उसमें हमारे संबंधी हो ना हो। यू राइट, क्योंकि देखो अगर हम दोनों आपस में खुश हैं तो उनको क्या मसला है? मैं एक प्लान सोचा है। क्या? साथ हो गए? साथ ही हूँ यार। हम ना निकाह कर लेते हैं। पागल हो क्या? हिम्मत जवाब देगी? सायम, घर वालों की मर्जी के बगैर? वो तो मानने से रहे ना। लेकिन देखो, मैं तुम्हें घर से भाग जाने को नहीं कह रहा। हम निकाह करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे घर, और फिर इनके पास हमारा रिश्ता कबूल करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। तो तुम कह रहे हो ऐसे सब मान जाएंगे? कोई रास्ता ही नहीं होगा। हम दानियाल भाई तुम्हारी जान ले लेंगे। ये सब कहने की बात होती है? कोई जान नहीं, और मेरी जान लेकर खुद जेल में सड़ेंगे सारी जिंदगी, हरगिज नहीं। कुल इसके बाद सब सेट हो जाएगा। मैं कहा के बाद बचता ही क्या है? लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? निकाह के लिए क्या चाहिए होता है? क्या? एक लड़का, एक प्यारी लड़की इन हर केस, एक काजी और गवाह। और ये सब तुम मैनेज कर लोगे? नाना के पास जाएंगे। नाना मान जाएंगे? मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे बहुत पसंद करते हैं, और वैसे भी जिस हालत में हम उनके पास जाएंगे, हमारी मदद करने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। पर हम लगा करके वापस आ जाएंगे, थोड़ी मारपीट होगी लेकिन वो कम नहीं होती। At this point, I'm used to it. So, you have to trust me. यकीन रखो मुझ पे, मैं एक कर रहा हूँ, doing it for us ना। क्या कहती हूँ? कब? तुम कहो तो अभी चले। चलो अभी चले। तेरे छलांग माने? यहाँ तो जाएंगे।